तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल की एक और नई वीडियो में। मैं हूं अभय और आ चुके हैं अपने चैनल एडीएच अभय एडिट्स में। तो आज हम लोग बात करेंगे दो मैच की। पहला होगा इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड, जो कि नो रिजल्ट रहा, बारिश की वजह से वो निपट गया। और दूसरा होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि थर्ड ओडीआई जो कल होने वाला है। तो दोनों मैच ही करेंगे बाद। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। मेरा बस 1.15 के होने में 2 सब्सक्राइबर रह गए हैं, तो आप सब्सक्राइब कर लें। और जो 2 लोग अभी देख रहे हैं, जो हाँ तुम ही जो देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो कायदे में। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो बस इंट्रो लगाते हैं, फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड की। तो मैच में हुआ कुछ ऐसा कि आयरलैंड टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का डिसीजन लिया, जो कि उन पर बहुत ही ज़्यादा लेवल पे भारी पड़ गया। क्योंकि जब शुरू में ऐसा लग रहा था 6 ओवर में 80 रन मारे थे इंग्लैंड ने, वो भी ओडीआई मैच में, आप सोच सकते हैं लेवल। ऐसे खेल रहे थे कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि बॉल के साथ खेल रहे हैं या बॉलर के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि उनके जो ओपनर थे फिन सॉल्ट, उन्होंने 28 बॉल पे 61 रन मारे। और विल जैक्स, उन्होंने भी 185 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद तो क्रॉली है, उन्होंने थोड़ा उन पे दया की तो थोड़ा कम मारा। लेकिन उसके बाद जो बैन आए, बैन डक्ट, तो उन्होंने जो खेला वो सेंचुरी मार के गया, वो भी 137 के स्ट्राइक रेट से। ये ओडीआई मैच में आप समझ सकते हैं कि उनके 30 ओवर में 280 रन थे, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। मुझे लग रहा था ये लोग 500 कर सकते थे अगर बारिश ना बचाती आयरलैंड को। आयरलैंड की तरफ से सबसे ज़्यादा पिटे जोशुआ लिटिल, जिनको लिटिल समझ के बड़े लंबे लंबे छक्के मारे हैं इन्होंने। वाह, ये तो राइम हो गया भाई, आपका नॉलेज तो कमाल का। लेकिन फिर वहाँ पे इतनी भयंकर बारिश हुई कि मतलब मैच तो बंद ही हो गया, फिर उसका कुछ कर नहीं सकते थे। तो इस मैच की बात इतनी थी, क्योंकि इसमें ज़्यादा था भी नहीं, बस पिटते रहे आयरलैंड के बॉलर और इंग्लैंड वाले उनको पेलते रहे। अब बात करते हैं सेकेंड मैच की, जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का थर्ड ओडीआई जो कल होने वाला है। yeah! तो उसके लिए स्क्वाड जारी हो गई है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये है स्क्वाड, इसमें जो हैं शुभमन गिल, शार्दुल ठाकुर, हार्दिक पांडे, जो कि पहले भी आराम था उनको और आराम दे दिया गया, और मोहम्मद शमी, इन चारों को रेस्ट करा दिया गया। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और कुलदीप यादव जब खेल लेते तो हार्दिक पांडे को भी खिला देते, उनको रेस्ट। हो सकता कोई मतलब दिक्कत हो, इंजरी हो, पता नहीं। तो ये है कल की स्क्वाड, जो जिसमें से कोई 11 खिलाड़ी खेलेंगे, आप समझ सकते हैं उसका। तो कल के मैच की हाईलाइट रहेंगे रोहित शर्मा, विराट कोहली, कुलदीप यादव का कमबैक, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। और इस मैच में जसप्रीत बुमराह भी वापस आ रहे हैं अपने, जो वो सेकंड मैच में अवेलेबल नहीं थे वही वापस आ रहे हैं। शुभमन गिल को आराम मिला, उन्होंने सोचा कि सचिन के रिकॉर्ड को कैसे बचाएंगे जब शुभमन गिल लगातार खेलते रहे, तो उन्होंने भी थोड़ा आराम दे दिया उनको। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, हमने तो सोचा था इस तीसरे मैच में हम सेंचुरी मार के सचिन मतलब ससुर जी से उनकी बेटी का हाथ मांग लेंगे, लेकिन अब क्या करें, इन हरामियों ने हमें खिलाया नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, अब हमें वर्ल्ड कप का इंतज़ार करना पड़ेगा और क्या। चलिए अब हमें जाना है, हमें सारा से बात करनी है वीडियो कॉल पे। लेकिन गैस, रोहित शर्मा, विराट कोहली तो हैं ही हैं, और श्रेयस सैयद जो कि अब अच्छे फॉर्म में आ गए हैं वो भी है, तो उनको भी कल मौका है कि फिर से अपना फॉर्म अच्छा दिखाने का, वर्ल्ड कप के लिए अपनी जगह तैयार करने का। क्योंकि हमारे पहले नंबर पर रोहित शर्मा, दूसरे पर शुभमन गिल, तीसरे विराट कोहली, चौथे पे हमारे हो गए केएल राहुल भैया, पाँचवे पे हो गए सूर्य कुमार यादव या ईशान किशन, जिसको भी खिलाते हैं। और उसके बाद तो नीचे खिलाड़ी, उसमें तो कोई चेंज होना ही नहीं है। लेकिन शुरू में श्रेयस अय्यर की जगह अगर उनको बनानी है तो उनको बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, ताकि उनकी, पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा उनकी जगह कैसे बनाएंगे। या तो केएल राहुल को ऊपर नीचे करेंगे या सूर्य कुमार यादव को, ऐसे तो पता नहीं चल रहा मुझे। अगर आपको कुछ आइडिया लग रहा हो कि कैसे क्या जगह बनेगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कीजिए। टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, एक दिन उदय भाई को मेरी किसी बात पर गुस्सा आ गया तो मेरी। तो गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।